हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल बेस्ट एनिमल टॉक पे। सो बेसिकली मैं एक नेचर लवर हूँ। मैंने अपने लाइफ में काफी सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और नेचर ट्रिप पर जा चुका हूँ। और आज का हमारा टॉप 10 इनक्रेडिबल एनिमल्स ऑफ इंडिया का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल स्टार्ट करने का मोटिव के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे कि अभी तो वर्चुअल रियलिटी का जो ट्रेंड चल रहा है, शायद आगे चलता ही जाए, क्योंकि आज भी दुनिया में एनिमल हंटिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब रीजन की वजह से बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट गिर चुका है। काफ़ी सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आ चुके हैं। सो प्रेजेंट में हम अगर अपने नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और सिर्फ टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहे, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को शायद सिर्फ वर्चुअल रियलिटी में एनिमल्स को देखने का नसीब हो। तो यही इस टॉप 10 एनिमल वीडियोस बनाने का मोटिव है। मैं आपको हर तरह के एनिमल स्पीसीज के फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन, बैटल काउंटडाउन एक टॉप 10 वीडियो के द्वारा पेश करूंगा। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इंडिया का वाइल्ड लाइफ काफ़ी वास्ट है। आपको यहाँ नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक काफ़ी सारे अलग अलग इंक्रेडिबल स्पीसीज देखने मिलेंगे। तो मेरा काउंटडाउन लिस्ट पर नंबर 10 पर है बारहसिंगा। बारहसिंगा एक डियर फैमिली से बिलोंग करता है। इसे इंग्लिश में स्वैम डियर के नाम से जाना जाता है। बारहसिंगा उसके नाम की तरह ही दिखता है अपने 12 सिंगों के साथ। जो मेल बारहसिंगा होते हैं उनके सिंग फीमेल से ज्यादा डेवलप होते हैं। ये नेपाल और इंडिया में पाए जाते हैं और ये प्राणी पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक्सटिंक हो चुके हैं और इंडिया में भी एंडेंजर स्पीसीज के लिस्ट में जाना जाता है। दोस्तों, ये हर्बीवोरस होते हैं और इनका वेट कुछ 150 से 220 किलो के बीच में होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 20 साल से ज्यादा नहीं होता। नंबर 9 पर है एशियाटिक लायन। ये खूबसूरत लायन की प्रजाति दोस्तों पहले टर्की और एशिया में पाया जाता था। अभी ऐसे गिर फॉरेस्ट में बचा है, वो भी अराउंड सिर्फ 300 अगर फॉरेस्ट ऑफिसर्स पे विश्वास किया जाए तो। ये लायन दूसरे लायन जैसे फीमेल्स के साथ नहीं रहते, दे टेक फ्रेंड जोनिंग टू एन अनदर लेवल। पर हाँ, ये हंटिंग या मेटिंग के टाइम पे साथ में होते। इनका वेट कुछ 190 केजी से ज्यादा होते हैं और ये ऑब्वियसली कार्निवोर्स होते। ये कुछ 15 से 20 साल जीते और हमारे यही उम्मीद है कि किंग ऑफ द बीस्ट हमारी अगली पीढ़ी भी देख पाए। और नंबर 8 पर है ग्रेट इंडियन राइनोसोरस। राइनोसोरस भी वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर स्पीसीज के लिस्ट पर आते हैं। इनका वेट लगभग 1800 से 2000 केजी के होते हैं। इंडियन राइनो का खूबी यह है कि उनका हॉर्न बाकी राइनो से बहुत बड़ा होता है और ये 35 से 40 ईयर्स तक जीते। राइनोसोरस दिखने में काफ़ी विशाल होते हैं, बट ये जानवर ग्रेजर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी। इनके हॉर्न का पर्पज सिर्फ सेल्फ डिफेंस होता है। कभी कभी ये अपने बच्चों को बचाने के लिए टाइगर, लायन के पैक के साथ सामना भी कर लेता है। ये इंडिया में ज्यादा करके फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क जैसे काजीरंगा, ऑरेंज नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और नंबर 7 पर आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों वन ऑफ द वर्ल्ड हेवीएस्ट बर्ड्स में से आता है। ये सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। जाना जाता है कि ये पक्षी का संख्या बरसात के मौसम के बाद कम हो जाती है। ये दूसरे नेबरिंग कंट्री की ओर माइग्रेट होते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ओमनिवोरस बर्ड है, यानी कि इनका डाइट इंसेक्ट्स और प्लांट सीड पे डिपेंड करता है। और इनका बॉडी वेट अराउंड 15 केजी होते हैं और इनका लाइफ स्पैन अराउंड 15 से 20 ईयर्स के बीच होते हैं। और हमारा नंबर 6 काउंटडाउन पर है लायन टेल मकाक। ये मकाक मुसाफा के नाम से फेमस है। हाँ दोस्तों, मुसाफा लायन किंग वाला ही मकाक से इंस्पायर्ड है। इनके फेस में काफी सारे हैवी बियर्ड्स होते हैं, इस कारण इनको लायन टेल मकाक से नाम से जाने जाते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मंकीज है जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है। और बिहेवियर वाइज देखा जाए तो ये मोस्टली ह्यूमंस को अवॉइड करते और इनका फूड चॉइसेस फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, शूट्स, फ्लावर्स, ऐसे चीज़ों पे डिपेंड करते। ये मंकी अराउंड 2 केजी से 10 केजी तक वेट करता है। इनका लाइफ स्पैन अराउंड 20 ईयर्स तक होता है। अब नंबर आता है नंबर 5 का, जो है ब्लैक बक। अगर लायन टेल मकाक हॉलीवुड की वजह से फेमस है तो ब्लैक बक बॉलीवुड। जी हाँ दोस्तों, इस डियर के हंट करने से काफी सीरियस केस बना था बॉलीवुड के काफी नामचीन सितारों पर। चलिए हम वापस आ जाते हैं ब्लैक बक पे। ये डियर इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये मोस्टली ग्रीनलैंड फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहाँ पे इनको ऐसा एरिया प्रीफर करते हैं जहाँ पे पानी का कोई नदी या पुल आसपास में मौजूद हो। और इनके व्हाइट और ब्लैक ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन की वजह से इनको इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल एंटीलोप कहा जाता है। ये एंटीलोप हमेशा 20-30 के झुंड में रहते हैं और इनका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 10 से 15 साल का होते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसे ग्रेट पैड हॉर्नबिल भी कहते हैं। ये बर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हॉर्नबिल फैमिली से आता है। भारत में देखा जाए तो इनका संख्या ज्यादा करके वेस्टर्न घाट रीजन में पाया जाता है। इनका सबसे खूबसूरत चीज है इनका कास्क, जो ब्राइट येलो और ब्लैक कलर का होता है इनके बीक के ऊपर। इनका डाइट में मोस्टली फ्रूट कंसिस्ट करता है। बस उसके अलावा ये बर्ड कभी कभी छोटे रेप्टाइल का भी शिकार कर लेते हैं। हॉर्नबिल के फेदर्स काफी अट्रैक्टिव होते हैं और ये ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल में उपयोग होता है। सो गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हॉर्नबिल हंटिंग के खिलाफ। और इनका वेट लगभग 2 से 4 केजी के होते हैं। और सबसे खास बात है इनका लाइफ स्पैन, जो 50 साल के भी ऊपर होते हैं, जो एक बर्ड किंगडम में बहुत ही हाई रेटेड माना जाता है।
और नंबर 3 पर है वन ऑफ माय पर्सनली फेवरेट एनिमल द किंग कोबरा। दोस्तों किंग कोबरा वन ऑफ द लार्जेस्ट और वेनमस स्नेक में से जाना जाता है। ये सब एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इंडिया में ये स्नेक वेस्टर्न घाट्स में आपको ज्यादा करके देखने मिलेंगे और ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका संख्या काफी कम हो रही है और किंग कोबरा को IUCN रेड लिस्ट पे एंडेंजर स्नेक स्पीसीज में डाला गया है। अडल्ट किंग कोबरा लगभग 10 से 12 फुट तक होते हैं। ये ह्यूमंस को डायरेक्टली बाइट नहीं करते, हाँ अगर आप इसको ट्रेटन फील होता है तो ये जरूर बाइट करेंगे। इनका वेनम काफी पावरफुल होता है। किंग कोबरा का एक बाइट एक एलिफेंट को 2 घंटे के अंदर मार गिरा सकता है, तो सोचिए ह्यूमंस पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। और इनका फूड हैबिटेट लिजर्ड्स, एग और दूसरे छोटे मैमल्स को शिकार करते हैं और इनका लाइफ स्पैन लगभग 17 से 20 साल का होता है। तो चलिए दोस्तों इंडिया का सेकेंड मोस्ट इनक्रेडिबल एनिमल की तरफ जाते हैं, जो है पीकॉक। पीकॉक को भारत का नेशनल बर्ड माना जाता है और ये खूबसूरती का प्रतीक है। ये इंडिया में हर जगह में मौजूद है। इनके फेदर्स जो इतने कलरफुल होते हैं बचपन से नहीं होते, वो बाद में डेवलप होते हैं। ब्लू पीकॉक की प्रजाति इंडिया में और ग्रीन पीकॉक की प्रजाति म्यांमार में पाए जाते हैं। ये लगभग 5 kg तक वेट करते और ये उड़ भी सकते हैं, पर ज्यादा दूर तक नहीं। पीकॉक्स यूजुअली इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपॉड, रोडेंट्स और रेप्टाइल का शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए। उसके अलावा ये फ्रूट्स, बेरीज और होल ग्रेन्स भी खाते हैं और इनका लाइफ स्पैन अराउंड 10-25 ईयर्स के बीच में होता है। सो फाइनली नंबर 1 पर आता है इंडिया का और वर्ल्ड का मोस्ट इनक्रेडिबल एनिमल टाइगर। टाइगर्स में काफी वैरायटीज होते हैं, पर हम हमारे नेशनल एनिमल द रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बात करेंगे। एक अडल्ट रॉयल बंगाल टाइगर लगभग 270 से 300 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इनका वेट लगभग 200 से 250 केजी तक होते हैं। और टाइगर का लाइफ स्पैन इतनी लंबी नहीं होती है, ये 25 साल तक ही जी पाते। भारत में आपको बंगाल टाइगर वेस्ट बंगाल सुंदरबन रीजन में ज्यादा देखने मिलेंगे। उसके अलावा टाइगर्स आपको टाइगर रिजर्व सेंचुरीज में मिलेंगे। उनमें से कुछ फेमस सेंचुरीज का नाम है काजीरंगा, बंदीपुर, रणथंबोर, पेरियर और बहुत सारे हैं। टाइगर काफी आदमखोर होते हैं। इनका पंजों का एक पंच इंसानों पर एक जानलेवा हमले माफिक हो सकता है। ये कार्निवर्स होते हैं। अगर इनको ठीक से भोजन ना मिल पाए तो ये कोई भी जानवर खा सकते हैं, जहाँ तक कि इंसानों को भी। पर इनका फेवरेट शिकार है डियर और वाइल्ड बफेलोस। ये एनिमल एंडेंजर्ड पर है, पर अभी इसके पॉपुलेशन गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से काफी सुधार हुआ है। ग्राफ वाइज देखा जाए तो 2006 में भारत में 1400 टाइगर्स ही बचे हुए थे, पर अभी 2019 के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से इनकी संख्या 3000 से भी ज्यादा है। ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है ना दोस्तों? और दोस्तों टाइगर के बारे में जितनी भी तारीफ करो उतना कम लगता है। सो आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के जल्दी एक टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट टाइगर्स पे एक वीडियो पेश करूंगा।